मुद्रा तत्व एक ऐसी व्यथा है जिससे नई जानकारियों के आधार पर इतिहास में संशोधन परिवर्तन होता रहता है। इतिहास निरूपण में सिक्कों से उपलब्ध अंतः साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। सिक्के जो भी तथ्य उपस्थित करते हैं वे सूत्रवत ही होते हैं, उनकी अंतः तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की आवश्यकता होती है। सिक्कों में तीन प्रमुख तत्व प्रमुख हैं, संतुलित धातु, निश्चित वजन और प्रतीक चिन्ह। ये तीनों ही अपने अपने ढंग से ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इतिहास निरूपण में सिक्कों पर अंकित लेख भी विशेष सहायक होते हैं। अधिकांश सिक्के एकभाषिक हैं, कुछ प्राचीन सिक्के द्विभाषिक भी हैं, जैसे यवनों और शकों के सिक्के। द्विभाषिक सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लेख हैं। कुछ जनपदों के सिक्के भी द्विभाषिक हैं और दुम्बरों के सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में लेख हैं। उत्तर भारत के सभी सिक्कों पर ब्राह्मी में आलेखन है। मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से राजनीतिक घटनाओं का परिलक्षण होता है। उदाहरण के लिए, जैसे डेमेट्रियस की उत्तर पश्चिम भारत की विजय उसके द्विभाषी सिक्कों से प्रमाणित है। कुषाण और शक पार्थियन इतिहास पर भी सिक्कों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन सिक्कों से शासकों के नाम और उनके शासन का क्रम भी ज्ञात होता है। शक सातवाहन संघर्ष के इतिहास में मौद्रिक साक्ष्य महत्वपूर्ण है। नासिक के जोगलथम भी मुद्रा निधि से प्राप्त सिक्कों में से नेहपान के कुछ सिक्कों पर शातकर्णी का भी राजांक मिलता है, जो शकों पर शातकर्णी के विजय का प्रमाण है। ये सिक्के विजय के बाद पुनः प्रचलन के प्रमाण हैं। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी सिक्कों से सहायता मिलती है, जैसे मालवगण, यौधेय, अर्जुनायन, औदुम्बर आदि गणराज्यों की प्रशासनिक और संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में इनके सिक्के महत्वपूर्ण हैं। औदुम्बरों के चौकोर तांबे के सिक्कों पर मंदिर और त्रिशूल के आधार पर इन्हें शैव धर्म के प्रति आकृष्ट कहा जा सकता है। गणराज्यों के सिक्के चांदी और तांबे दोनों के हैं और सांचे में ढाल कर और ठप्पे से निशान लगाकर बनाए गए थे। अनेक सिक्कों पर तिथियां अंकित हैं और इनसे शासकों के काल निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। भारत के प्राचीनतम सिक्के पंच मार्क्ड कॉइन्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्रचलन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ये तांबे और चांदी के बने हैं, इन पर कोई लेख नहीं है। हिंद यवन शासकों के आगमन से सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन आया और इन पर प्रश्नकर्ता का नाम और उपाधि के साथ उनकी धार्मिक अभिरुचि का भी अंकन किया जाने लगा। कुषाण काल के बाद मालव, यौधेय, पांचालों के मित्र और मगध राजाओं के सिक्के भी मिलते हैं। गुप्त काल तो सिक्कों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। सिक्के शासकों की व्यक्तिगत अभिरुचि और धार्मिक भावना के भी परिचायक हैं। कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर बोडो का अंकन प्राप्त होता है। आहत मुद्राओं जनजातीय मुद्राओं पर अंकित प्रतीक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन प्रतीकों के माध्यम से यह पता चलता है कि
कि किस भौगोलिक क्षेत्र या किस जन समुदाय में कौन सा धार्मिक संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। विम कैटफिसिस की मुद्राओं पर अंकित माहेश्वर उपाधि और चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं पर अंकित परम भागवत उपाधि इन शासकों के धार्मिक विश्वासों को ही स्पष्ट करती है। बैक्ट्रियन यवनों में अगाथक्लीस की एक मुद्रा पर वासुदेव और संकर्षण का अंकन प्राप्त होता है तो यौधेयों के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है। कनिष्क की मुद्राओं पर बुद्ध का अंकन और साथ ही साथ उनका नाम बोडो भी अंकित है। कनिष्क की मुद्राएं जिन पर यूनानी पारसी और भारतीय देवी देवताओं के नाम मिलते हैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के सूचक हैं। परवर्ती काल में भारत पर शासन करने वाले हूणों ने शैव मत को स्वीकार किया जिसकी पुष्टि उनकी मुद्राओं से होती है। हूण नरेश मिहिर कुल की मुद्राओं पर शिव के वाहन नंदी का अंकन प्राप्त होता है। कुछ गणराज्यों में देवता विशेष की उपासना प्रचलित थी जिसकी सूचना हमें उनकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। जैसे यौधेयों की मुद्राओं पर कार्तिकेय का अंकन और उन पर ब्रह्मण्य देवस्य लेख मिलना ये प्रमाणित करता है कि कार्तिकेय यौधेयों के उपास्य देवता थे। गुप्त सम्राटों की स्वर्ण मुद्राएं भागवत धर्म की लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत करती हैं और मुद्राओं से प्रमाणित है कि विष्णु और लक्ष्मी गुप्त सम्राटों के उपास्य देवता थे। आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से भी मुद्राओं का अपना महत्व है। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं की आकस्मिक रूप से अधिक संख्या को देखते हुए राम शरण शर्मा ने यह विचार व्यक्त किया कि इन मुद्राओं के निर्माण के लिए स्वर्ण का प्रमुख स्रोत रोमन स्वर्ण मुद्राएं थीं जिन्हें गलाकर कुषाण स्वर्ण मुद्राएं निर्मित हुईं। कुषाणों की रजत मुद्राओं के अभाव पर विचार करते हुए श्री शर्मा का यह मत है कि खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध चांदी की खानें कुषाणों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थीं और इसलिए मुद्रा निर्माण के लिए चांदी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रही होगी। और दूसरा कारण यह भी है कि एजिस द्वितीय के काल में रजत मुद्राओं में पर्याप्त मिलावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रजत मुद्राओं की साख गिर गई थी और जिसके कारण कुषाण सम्राटों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वर्ण मुद्राएं एवं आंतरिक आवश्यकता के लिए ताम्र मुद्राओं का प्रवर्तन करना पड़ा। गुप्त वंशीय सम्राटों में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शुद्ध स्वर्ण से निर्मित विविध प्रकार के मुद्राएं गुप्तों की आर्थिक समृद्धि को प्रकट करती हैं। प्राचीन भारतीय मुद्राएं कला एवं प्रतिमा लक्षण के अध्ययन की दिशा में भी सहायक सिद्ध हुई हैं और इस दृष्टि से जेएन बैनर्जी और भास्कर चट्टोपाध्याय ने मुद्राओं का अध्ययन भी किया है। नंदी के साथ शिव का स्पष्ट अंकन पहली बार विम कैटफिसिस की मुद्राओं पर मिलता है। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर प्रायः पौराणिक देवी देवताओं के अंकन हैं जिनमें पद्मासीना लक्ष्मी सिंहवाहिनी दुर्गा मकर पर आरूढ़ गंगा के अंकन प्राप्त होते हैं। यौधेयों के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है तो औदुम्बरों के सिक्कों पर मंदिर के अंकन कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से गुप्त मुद्राओं से तत्कालीन शासकों के आखेट प्रेम और संगीत प्रेम पर प्रकाश पड़ता है। विद्या प्रकाश ने गुप्तकालीन मुद्राओं के अध्ययन के आधार पर तत्कालीन भौतिक जीवन के विविध पक्षों का विवेचन किया है तो एम के धवलीकर महोदय ने बैक्ट्रियन यवनों कुषाण और गुप्त मुद्राओं के आधार पर प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। मुद्राओं के विविध आकार प्रकार उन पर अंकित प्रतीकाकृतियाँ और अभिलेख राजनीतिक इतिहास के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुए हैं। सन 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के इतिहास का ज्ञान मुख्यतः मुद्राओं से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 3 दर्जन से अधिक बैक्ट्रियन यवन शासकों में केवल 2 का ही उल्लेख अभिलेखों में मिलता है और केवल 7 के बारे में थोड़ी सूचना साहित्यिक स्रोतों से मिलती है जबकि
पूर्वी पंजाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत क्षेत्र में जिन मित्र नामांत शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनमें भी दो या तीन को छोड़कर अन्य किसी शासक के संबंध में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य स्रोत से सूचनाएं नहीं मिली हुई हैं। योधेय, शिवी, मालव, कुड़िंद गणों के इतिहास और अयोध्या, पांचाल, कौशाम्बी, मथुरा के स्थानीय राजवंशों के इतिहास में मुद्रा साक्ष्य अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुद्राओं से कतिपय राजनीतिक घटनाओं का भी ज्ञान होता है। डीआर भंडारकर और एस के मैती ने मुद्राओं के आधार पर अनेक राजनीतिक महत्व की घटनाओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। जैसे डेमेट्रियस द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के विजय की पुष्टि उनकी रजत और ताम्र निर्मित द्विभाषी मुद्राओं से ही होती है। मुद्राओं के साक्ष्य से प्रमाणित है कि स्ट्रैटो ने बाल्यकाल में अपनी माता के संरक्षण में शासन किया। वह लगभग 50 वर्ष तक शासक रहा। मुद्राओं पर उसकी आकृति एक किशोर के रूप में भी दिखाई देती है और एक वृद्ध के रूप में भी दिखाई देती है। पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करने वाले कर्दमक शकों की मुद्राओं पर प्रचलित होने का वर्ष, इन्हें प्रचलित करने वाले शासकों का नाम और उपाधि प्राप्त होती है। कुषाण वंश में कनिष्क नामधारी तीन शासकों के नाम भी मुख्यतः मुद्राओं द्वारा पता चलते हैं। गौतमीपुत्र शातकर्णी की नहपान पर विजय का निश्चय प्रमाण जोगलथम्बी मुद्रा भांड है, जिसमें प्राप्त नहपान की दो तिहाई मुद्राएं गौतमीपुत्र के द्वारा पुनर्टंकित हैं। नैगम लेख युक्त मुद्राओं के आधार पर पश्चिमोत्तर भारत में नगर राज्यों के अस्तित्व की संभावनाएं भी व्यक्त की गई हैं। कतिपय स्थलों से रोमन मुद्रा निधियों की प्राप्ति भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करती है। मुद्रा निधियां काल विशेष की राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती हैं। सामान्य रूप से किसी मुद्रा निधि का भूमि के अंदर मिलना राजनीतिक अशांति और अव्यवस्था का सूचक माना जाता है। गुप्तकालीन मुद्राओं में बयाना मुद्रा निधि विशेष उल्लेखनीय है। इसमें 193 मुद्राएं समुद्रगुप्त की हैं, 16 मुद्राएं कांच की हैं, 983 मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं, 628 मुद्राएं कुमारगुप्त प्रथम की हैं और केवल एक मुद्रा स्कंदगुप्त की है। स्पष्टतः इस मुद्रा निधि का भूमि में निक्षेप स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ होगा। कदाचित इन मुद्रा निधि को भूमि में छिपाने का कारण हूणों का वह आक्रमण था, जिसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी और जूनागढ़ अभिलेखों में मिलता है। इस वीडियो में जिन चित्रों की उद्भावनाएं जिन भी स्रोतों से उद्धृत की गई हैं, उन सब के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।